अरे बहन सोनिया जी, जल्द से जल्द अपनी साइकिल नाव को लेके शहर चलो, शहर पहुंचने के लिए देर हो रही है। लालू जी, थोड़ी देर का इंतजार करो, बस चला ही रही हूँ मैं साइकिल से इस नाव को। अरे मोदी इंस्पेक्टर जी आ गए, मोदी इंस्पेक्टर जी बोलो। अरे बहन सोनिया जी, ये क्या अजूबा बना दिया तुमने, साइकिल के पिछले वाले हिस्से में नाव लगा दी तुमने, बोट लगा दी ये तो, और इसमें सवारियों को बैठा के कहाँ ले जा रही हो? मोदी जी, ये तो आपको मालूम ही है कि मेरे पास एक नाव थी और मैं इस नाव से नदी के पार वाले गांव वाले लोगों को इस पार लाती थी, लेकिन नदी का पानी सूख गया, अब ये नाव बेकार पड़ी थी, क्या करती मैं, साइकिल भी बेकार पड़ी थी मेरे घर पे, तो मैंने नाव को साइकिल के साथ जोड़ दिया, अब मैं नाव में सवारियों को बैठा के शहर ले जाया करूंगी। लेकिन बहन सोनिया जी, ये तो अवैध वाहन है, इस वाहन पे तुम सवारियों को नहीं बैठा के चला सकती रोड पर, इसीलिए तुम्हारे इस वाहन का चालान कटेगा। मोदी जी, आप तो बेफालतू की बात करते हो, मम्मी जी साइकिल में नाव को ज्वाइंट करके पहली बार तो शहर ले जा रही है और आज ही आप चालान काटने की बात कर रहे हो, ये बताओ साइकिल का कोई चालान कटता है? नहीं राहुल, साइकिल का चालान नहीं कटता है। और मोदी जी एक बात बताओ, क्या नाव का चालान कटता है पानी में नाव चलाओ तो? नहीं बहन सोनिया जी, नाव का भी चालान नहीं कटता है। तो आप मेरी साइकिल नाव का चालान क्यों काट रहे हो? वो बहन सोनिया जी, इसलिए क्योंकि साइकिल को तुमने नाव के साथ अटैच कर दिया है, ज्वाइंट कर दिया है, और इसमें तुम इतनी ज्यादा सवारी भर के शहर ले जा रही हो, ये तो अवैध वाहन है, इसका तो चालान कटेगा ही कटेगा। मोदी जी, हमें शहर जाने के लिए देर हो रही है, सोनिया जी के इस साइकिल नाव में सवारी करने में बहुत मजा आ रहा है, आप भी बैठ के देखो, बहुत मजा आ रहा है, चालान मत काटो इनकी साइकिल नाव का। योगी जी, तुम आराम से वहीं पे नाव में खड़े रहो जैसे खड़े हो, मैं सोनिया जी से बात कर रहा हूँ। मोदी इंस्पेक्टर जी, बेफालतू की तो बात करो मत, ये नए तरीके का वाहन बनाया है सोनिया जी ने, इसमें सवारी करने में वाकई में बहुत मजा आ रहा है। योगी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, और आप चालान काटने की बात कर रहे हो। शिवराज सिंह जी, आप भी ज्यादा मत बोलो, नाव का काम पानी में चलने का है और साइकिल का काम रोड पे चलने का है, अब साइकिल को नाव में ज्वाइंट करके तुम रोड पे नहीं चला सकते। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। क्या करें योगी जी, दुकान को समेटे, सुबह से शाम हो गई, अभी तक तो कोई ग्राहक आया नहीं है, दिन आंखें मूंद रहा है और रात होने वाली है, चारों तरफ अंधेरा छाने लगा, चलो दुकान को समेटो। अरे मोदी जी, मैं तुम्हारे साथ तो दुकान में पार्टनरशिप करके फंस गया, मैं अकेले में अच्छा खासा अनाज बेच लेता था, अकेले दुकान रखता था जब मैं, एक तो तुम्हारी ये बहुत गलत आदत है, तुम हमेशा गाँव से दूर रोड पर अनाज बेचते हो, अनाज की दुकान लगाते हो, ऐसा करो जो दुकान में इसमें पैसा लगाए वो आधा पैसा मुझे दे दो, पूरी दुकान तुम ही अकेले लगाओ। अरे योगी जी, ऐसे कैसे पैसा वापस दे दूं, एक तो अनाज कोई बिक नहीं रहा है, ना चावल बिक रहा है, ना दाल बिक रही है, ना गेहूं बिक रहा है, पैसे क्यों दे दूं, बराबर के पैसे लगे हुए हैं, आधा आधा अनाज बांट लो। अरे मोदी जी, योगी जी, ये झगड़ा बात को करते रहे ना, ये देखो कोई ग्राहक आया है, लगता है बहुत ज्यादा सामान खरीदेगा ये तुमसे, क्योंकि कार से आया ये। जी चावल क्या रेट बेच रहे हो और गेहूं क्या रेट बेच रहे हो बताओ? अरे जी चावल बहुत सस्ता है, बिल्कुल फ्री दाम, 100 रुपए किलो, और गेहूं भी 50 रुपए किलो, ले लो कितने लोगे? अरे इतनी आफत क्यों मचा रहे हो, इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो, मुझे लगता है सुबह से तुम्हारा 1 किलो अनाज नहीं बिका है, ये तो बहुत महंगे रेट लगा रहे हो तुम, इतने रेट तो एक अच्छी दुकान पर भी नहीं होते हैं, तुम तो रोड पे दुकान खोले हुए हो। अरे तो रेट में कम्बल कर लेंगे, आप बोलो तो कितने गेहूं और कितने चावल लोगे? देखो मैं एक रेट बोलूंगा, बार बार झिकझिक नहीं करूंगा, बोलो बोलो एक रेट बोलो तुम, हम सुनने को तैयार हैं, हम गुंजाइश में अनाज दे देंगे तुम्हें। और तुम्हें दाल उल नहीं चाहिए, ये मसूर की दाल, अरहर की दाल, दाल चाहिए कोई सी बताओ? अरे दाल उल कोई सी नहीं चाहिए, मैं इसी चावल के रेट बता रहा हूँ, चावल 20 रुपए किलो दे दो और गेहूं 10 रुपए किलो। अरे भाई जैसे कार से आए हो वैसी कार से निकल लो यहाँ से, अरे इतने कम रेट तो कोई मजदूर भी नहीं लगाता है, तुम तो कार से फिर रहे हो। अरे हमने 100 रुपए किलो चावल बताया था, तुम 20 रुपए किलो बता रहे हो। अरे जा रहा हूँ, मुझे कौन सा तुम्हारा कोई अनाज खरीदना था, ना गेहूं खरीदना था, ना चावल खरीदना था, वो तो तुम बीच रोड पे दुकान लगाए हुए हो कि मेरे कार निकलने तक की जगह नहीं है, इसीलिए मैं उतर के आ गया अपनी कार से, नहीं मैं कार से उतरता कहाँ हूँ, हटाओ अपनी दुकान को जो मैं अपनी कार को निकालूं। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे मोदी जी, हम आज ही से तुम्हारे खेत पर काम करना छोड़ रहे हैं, ये कोई बात है? इतना काम खेत पर कोई कराता है? अरे हमारे सर पर टोकरी पर इतना इतना गोभी लाद दिया तुमने कि हमसे चलना दुश्वार है, मैं तो आज ही से काम छोड़ रहा हूँ, क्यों, क्या कहते हो राहुल? अरे क्या बताऊं योगी जी, मेरे तो सर पर इतना वजन रखा है कि मेरी तो आवाज भी नहीं निकल पा रही है, ऐसा लग रहा है कि सर पर कोई पहाड़ रखा हुआ है, इतना गोभी सर पर कोई लादता है, जितना गोभी ये मोदी जी टोकरी में करवा के हमारे सिर पे रखकर मंडी में
ले जाती हैं। राहुल योगी जी, तुम्हें अपने सर पर रखा हुआ गोभी दिख रहा है, लेकिन जो मैं सर पर रखा हुआ हूँ गोभी, उसको देखो, तुम्हारे सिर पे तो मुश्किल से 50-50 किलो गोभी रखा हुआ है, मेरे सर पर तो पूरा 1 क्विंटल गोभी रखा हुआ है। अरे जब मैं अपने सर पर इतना गोभी ढो सकता हूँ, तुम क्यों नहीं ढो सकते? और ये गोभी कोई तुम फ्री में थोड़ी ढोती हो। अरे 200 रुपए हर दिन मैं तुम्हें दिहाड़ी देता हूँ खेत से गोभी को मंडी तक पहुँचाने के लिए। अरे मोदी जी, ऐसी दिहाड़ी जाए भाड़ में जिसमें 200 रुपए की दिहाड़ी मिले और 1000 रुपए का दर्द हो जाए पूरे जिस्म में। आपकी इस टोकरी को खेत से मंडी पहुँचाते पहुँचाते हमारे पूरे जिस्म में दर्द होने लगता है। मैं तो कहता हूँ कि इंसानों पे भी ओवरलोड पे चालान कटना चाहिए। अगर ऐसा हो जाएगा तो मोदी जी सबसे पहला चालान आप ही का कटेगा। लेकिन योगी जी, एक बात समझ में नहीं आती। अरे अपना दोनों तो 50-50 किलो गोभी सर पे ले जा रहे हैं, ये देखो पूरा 1 क्विंटल गोभी सर पे रख के ले जा रहे हैं। कितनी ताकत है इन मोदी जी के अंदर। अरे वो तो ये राहुल हमें दिखाने के लिए ढोते हैं। दिखाने के लिए मतलब समझा नहीं। दिखाने से मेरा मतलब है, पहले इनके पास गोभी खेत से मंडी तक ढोने वाले पूरे 15 लोग हुआ करते थे, जिनमें केजरीवाल, अखिलेश, लालू जी और बहुत सारे लोग थे। लेकिन इन्होंने उन लोगों से बहुत काम लिया और वो सब काम छोड़कर भाग गए। अब अपना दोनों भी काम छोड़कर ना भाग जाए, इसलिए ये अपने साथ ही काम करते हैं और दिखाते हैं कि देखो मैं भी काम कर सकता हूँ। फिलहाल मैं तो कल से काम छोड़ रहा हूँ। देखो योगी जी, काम मत छोड़ो, बिल्कुल भी मत छोड़ो काम को। कल से मैं तुम्हारे ऊपर 25 किलो वजन लादा करूंगा, 50 किलो नहीं लादा करूंगा, लेकिन काम मत छोड़ो। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे लालू जी, कितनी देर से तुम ये तेल पड़े चावल खिला रहे हो, और मैंने तुमसे कह दिया था कि अगर मेरी दावत करो तो तेल मत डालना बिल्कुल भी चावल में, लेकिन तुमने पहले से ही देखो कितना तेल डाल रखा है। केले के पत्ते पे देखो, सब तेल ही तेल चमक रहा है चावल में। और इतनी देर बाद तुम मटर पनीर का भगोना उठा के लाए हो, जब आधा पेट खा चुके हम। जल्दी डालो मटर पनीर। अरे मटर पनीर में कितना पानी डाल दिया है, पानी पानी दिख रहा है पूरे भगोने में। अरे मोदी जी, पत्तल तो थोड़ा सा आगे को करो, तभी तो डालू तुम्हारे पत्तल में मटर पनीर। अब ये बताओ, मैं किस किस की फरमाइश पूरी करूं? तुम कह रहे थे कि बिना तेल के चावल पकाना, और ये देखो राहुल जो तुम्हारे बराबर में बैठा है, ये कह रहा था जितना तेल डाल मिले उतना तेल डालना। अब बताओ मैं क्या करूं, मैं दुविधा में फंसा पड़ा हूं। बताओ, एक तो मैंने तुम्हारी दावत की है, तो मेरा फर्ज बनता है इसके सबकी ख्वाहिशें पूरी करूं। अरे ख्वाहिश पूरी हो सकती थी, बिना तेल के चावल बनाते तुम। अगर इसे तेल की ज्यादा जरूरत है, ऊपर से तेल डाल देते चावलों में। अरे लालू जी, अभी तक तुमने मटर पनीर नहीं डाला, बातें करने में बहुत माहिर हो, बातों में लगा के लगता है मटर पनीर सारा का सारा बचाना चाह रहे हो। ऐसी चम्मच ऊपर उठाए पड़े हो, लो डालो इसमें मेरे पत्तल में। अरे लालू जी, मैंने तेल डालने को कहा था चावलों में, मैंने तो ये कहा था देसी घी डाल देना चावलों में, लेकिन तुमने तो सोयाबीन का रिफाइंड डाल दिया इन चावलों में। और ये क्या मटर पनीर का चम्मच ऐसी उठाए रहोगे? डालो मोदी जी के, फिर मेरे भी डालो पत्तल में। अरे मोदी जी, राहुल मैं तो पहले ही कह रहा था कि इनकी दावत में मत आओ, ये देखो पूरे का पूरा मटर पनीर का भगोना बचाना चाहते हैं। अरे डाल ही नहीं रहे किसी के पत्तल में, ऐसी चम्मच को ऊपर उठाए हुए बैठे पड़े। मेरे बराबर में ये केजरीवाल जी बैठे हैं, इन्होंने एक निवाला सही से नहीं खाया होगा बिना मटर पनीर के। अरे तुम बेफालतू में मुझे दोष दे रहे हो। अरे ये अभी भगोना उतार के लाया हूँ मटर पनीर का, ये बहुत गर्म है, तुम्हारा मुंह जल जाएगा। ठंडा कर रहा था मैं इसे, इसीलिए मैं किसी के पत्तल में अभी नहीं डाल रहा था, समझे पत्तल तक जल जाएगा, इतना गर्म है ये। अरे लालू जी, बेफालतू की बात करती हो, खाना गर्म अच्छा लगता है या ठंडा? गर्म गर्म मटर पनीर होता निराली होती। चलो डालो, ठंडा ही डालो। भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।